हेलो, सो मैं रेडी हो गई हूँ। हेलो एवरी वन एंड वेलकम बैक टू माई यूट्यूब चैनल। दिस इज़ नाइट। आई होप यू गाइज आर डूइंग वेल। तो भाई सुबह है 14 अगस्त और कुछ प्रिपरेशन वगैरह भी नहीं की मैंने। कल मैं बाजार गई थी, इतना रश था वहाँ पे। सिर्फ दावे की शर्ट एक मिली मुझे और मैं वापस आ गई हूँ। तो मैं जा रही हूँ दावे की चीज़ें वगैरह लेने, जैसे झंडियाँ और फ्लैग वगैरह। कुछ भी नहीं लिया बाजे कुछ भी नहीं लिया। तो कल मैं गई थी, मैं इसी माइंड से गई थी कि मैं लेके आऊँगी, लेकिन मुझे कुछ नहीं मिला। और मैं केक वगैरह केक भी बनाऊंगी इंडिपेंडेंस डे का, खुद चॉकलेट वाला मैंने सोचा है। तो मैं उसकी भी रेसिपी आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ आगे। और चीज़ें वगैरह मैं कल ले आई थी, मैं आगे क्लिप उसका शेयर कर दूँगी आप लोगों के साथ। और चलते हैं, मैं जल्दी से बस अबाया पहनूँ क्योंकि रेस्ट होता है बाहर और दावे को भी संभालना होता है। तो मैं अबाया पहनूँगी और फिर निकलते हैं। तो मैं रेडी हो गई हूँ, मैंने अबाया ही पहन लिया है और ये मैंने कल जूते लिए थे स्लीपर्स। तो मुझे ऐसी स्लीपर्स अच्छे लगते हैं यार, ये ना सॉफ्ट सॉफ्ट घर में पहनने के लिए। मेरे पास पहले भी वो मैं सी लेती हूँ। हमारा ये एक्सीडेंट हुआ था, हमारा पंखा नीचे गिर गया था, फटेबल टूट गया सारा। शुक्र है हम बच गए। मैंने केक के लिए ली है और ये मेरा बेकिंग पाउडर हो गया, ये मेरा टोमेटो पेस्ट हो गया। मैं लज़ानिया बनाऊंगी कल। ये दावे की चीज़ी, ये रहा खजूरें, ये भी कोको पाउडर। और ये मैंने डार्क चॉकलेट ली है, ये मैंने दो ले लिए थे इन केस अगर मुझे टॉप कम, अब मैंने चॉकलेट केक बनाना है तो मैंने उसके लिए दो ले लिए थे। ठीक है, आइसिंग शुगर यहाँ से मिली है, पता नहीं अब ये कैसी होगी। टाइम मैदा लिया एंड एक कोकोमो का बॉक्स लिया। तो अभी बाज़ार से तो हम लोग वापस आ गए थे और अभी काफ़ी टाइम हो रहा है, अभी रात के 1 बज रहा है। और क्या कहते हैं, यहाँ पे हमने काफ़ी ज़्यादा चीज़ें थी काम में करी थी मैं, और फ्री में ये देखा। और ये जो बाजों ने कान खाए हैं ना, और कान ही से तो आप बजाओ जावेद, पसंद नहीं आ रहे बाजे। बजाओ ना सही से। नहीं नहीं नहीं, यहाँ पे काफी चीजें हैं। आदि मैंने नीचे बच्चों को भी दी हैं और वो भी इसके लिए ले आए थे पानी पीने। The next day. हेलो, आई एम बैक एंड हैप्पी इंडिपेंडेंस डे फ्रॉम मी। और आज अभी 14 अगस्त और अभी उठे हूँ मैं। तो जो प्लान वगैरह है कोई ख़ास नहीं क्योंकि इतनी गर्मी है यार। और जाविया के मैंने कपड़े निकाल लिए हैं, एक मैंने ये सूट निकाला है उसका और एक ये मैं इसकी शर्ट लेके आई थी। तो मैं सोच रही हूँ अभी ये पहना लूँ, गर्मी बहुत ज़्यादा है, और बाद में शाम में दूसरा वाला फिर पहना लूँगी क्योंकि गंदे तो फौरन करते हैं बच्चे। मोहम्मद जाविया नीचे चले गए। चलो करो पाकिस्तान। ऐसे हिलाते हैं। सो भाई बनाने लगे हैं हम केक, सिंपल सा चॉकलेट केक। सबसे पहले हम करेंगे अपना कैमरा सेट। तो बोल में हमने ले लेना है 1 कप फ्लावर, 1/2 कप कोको पाउडर और ग्रैनी शुगर लिए मैंने 1 कप। बेकिंग पाउडर आप लोगों ने बिल्कुल फ्लैट चम्मच को करके और फिर ऐड करने, वरना करवा हो जाएगा केक। और बेकिंग सोडा 1/4 कप सॉरी स्पून ऐड किया, थोड़ा सा सॉल्ट ऐड करके, और इसको मिक्स करके रख देंगे ताकि इसमें कोई लम्ब ना रहे। इसको अच्छे से मिक्स करना है और पैन में आप लोगों ने अपना ऑयल और वो लगा के मैदा रख लेना है ताकि केक चिपके नहीं जब हम लोग इसके अंदर पोर करें। 2 एग्स ऐड करके 1/4 कप इसके अंदर, सॉरी 1/2 कप
कप आप लोग ने ऑयल ऐड कर दिया, मैंने इंग्रेडिएंट्स लिख दिए हैं तो वो आप लोग देख सकते हैं। और इसको आप लोग ने यहाँ इस पॉइंट पे आप लोग ने अच्छे से मिक्स कर लेना है, बाद में लम्प्स ना रहे। और यहाँ पे मैंने ऐड किया था 1/4 कप गर्म पानी आप लोगों ने ऐड करना है, हॉट वाटर सही वाला, और मुझे याद नहीं रहा रिकॉर्ड करना। तो आप लोगों ने ऐड करके इसको बस हल्का सा मिक्स करना है, यहाँ पे ज़्यादा मिक्सिंग नहीं करनी है आप लोगों ने, वरना आप लोगों का केक क्या कहते हैं वो सख्त हो जाता है, जो ब्रेड की तरह बन जाता है, तो इसके अंदर से ना ग्लूटेन रिलीज़ हो जाता है तो वो सख्त हो जाता है ब्रेड। अगर आप लोगों का केक क्या कहते हैं बनता है ना सख्त, तो आप लोगों ने ज़्यादा मिक्सिंग की होती है, ठीक है। आप लोगों ने यहाँ पे बिल्कुल लाइट से इसको मिक्स करना है और पोर कर देना है, और यहाँ पे आप लोगों ने इसके बबल्स निकाल लेने हैं इस तरह से करके, और इसको बेक होने के लिए रख देना है फॉर 30 मिनट्स, और बीच में आप लोग 20 मिनट्स के बाद चेक कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने ली है चॉकलेट बार, कंपाउंड चॉकलेट मिल जाती है इजीली हर जगह से, और मैंने ये एक कप ये लेनी है, और मैंने फ्रेश क्रीम लेनी है ऑलपर्स की, आप लोग कोई भी यूज़ कर सकते हैं। और ये मैंने 1/2 कप लिया है, इसको मैं गर्म करके 1 मिनट के लिए माइक्रोवेव में फिर मैं इसके अंदर ऐड करूँगी, और ये जो चॉकलेट इसके अंदर मेल्ट हो जाएगी और ये हमारी अच्छी सी टॉपिंग रेडी हो जाएगी, ये चॉकलेट गनाश जैसे बन जाती है, ठीक है। और ये हमारी टॉपिंग रेडी हो गई है केक की, अब केक बनेगा और हम इसके ऊपर लगा लेंगे इसको। मैंने अभी रखी है ये, थोड़ी अच्छे से मेल्ट हो जाए, अभी मेल्ट नहीं हुई सही से। भाई मैंने अपना केक निकाल लिया और ये हो गया था, स्टिक साफ आ रही है पता नहीं। भाई केक मैंने निकाल लिया, बहुत ज़्यादा मॉइस्ट बना है, और ना ये थोड़ा सा ना उखड़ गया था साइड से, ना चिपक गया था नीचे और ये टूट गया था, तो मैंने इसको थोड़ा सा अंदर प्रेस तो किया। तो भाई केक शेक बन गया, अब मैं इसके ऊपर करूँगी टॉपिंग इसके साथ। तो फाइनली मैंने लिख लिया है इतनी मुश्किल से क्रीम देखी मैंने इसको बांधा और एकदम सही से आई है, वो देखिए हर जगह पे मैंने ऑलपर्स की क्रीम से लिख लिया। पहले मैं फ्रॉस्टिंग बनाने लगी थी लेकिन बहुत टाइम लग जाना था और मैं इतना थक गई हूँ ना इस टाइम, और मैंने अब छोटा सा मून भी बनाया है, वाह सो प्रीटी। ये भी केक के ऊपर गिर गई है और मेरे फोन सारा इस टाइम बड़ा हुआ है। ये लड़का है ना इससे सबर नहीं हो रहा केक को देख के। उसको सिर्फ केक चाहिए इस टाइम। चलो और ना ही करें, कपड़े गंदे कर भी लिए हैं, ना ही करके फिर खाते हैं। हेलो, सो मैं रेडी हो गई हूँ, और क्या कहते हैं अब तो रात के 10 बज रहे हैं, मैं अब रेडी नहीं हूँ, पर हम लोग केक शेक कट करेंगे मैं और जाविया, क्योंकि शरीर तो अभी तक आए नहीं है। और मैंने ना ये वार्डरोब से शरीर की शर्ट निकाली पहन ली, मुझे और कुछ नहीं मिल रहा था, और मुझे कोई शर्ट वगैरह मिल नहीं क्या कहते हैं मुझे अपना कोई सूट नहीं मिला था, मैं सूट पहनना चाह रही थी वाइट लेकिन मुझे कोई मिला नहीं, क्योंकि मेरे पास बहुत कम वाइट, सिर्फ एक शर्ट ही है वाइट, वो मैंने पहले भी पहनी थी। तो साथ में मैंने फिर इस तरह से मैं रेडी हो गई हूँ, स्लीपर्स ही पहने हुए मैंने, मेरा पंप भी टूट गया। वेट जावियर, वेट मामा आ रही है कैंडल लेके, कैंडल लेके आती है फिर खाना।
उल्टी पकड़ी है छुरी, सीधी पकड़ो ना, उल्टी है सीधी पकड़ो, लग जाएगी, लग जाएगी। हाय चलो खूब मारो, खूब मारो, ऊपर मारो ना, इधर क्यों मार रहे हो? Two hours later. चलो इधर आओ, नहीं बोल रहा आपसे, दिला ना दिला, राजो बाबा से बैठ जाना, चलो बाहर खड़े बाबा से कट्टी कर दो, हमने नहीं बोलना बाबा से।